नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक की मेरी श्रृंखला चल रही है, जिसमें तीसरा भाग मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और इस सीरीज में हम जानेंगे किसी भी संख्या का जो स्क्वायर रूट है या अंडर रूट है, वो चंद सेकंड में उसे कैसे निकालें। एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को करें। ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इनोवेटिव मेथड से करेंगे तो आप चंद सेकंड में ही सही जवाब प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैं आपको 3 सवाल बताऊंगा, 3 तरीके के, एक 3 संख्या का, एक 4 संख्या का, एक 5 संख्या का अंडर रूट कैसे निकालें, क्योंकि मैक्सिमम 5 संख्याओं का ही अंडर रूट मुख्य रूप से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो बस आप सभी से अनुरोध है, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, स्क्वायर रूट कैसे निकालें। इसके लिए सिंपल ट्रिक है, आपको 1 से 20 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो याद होने चाहिए, उंगलियों पर रटे होने चाहिए। मैंने कुछ स्क्वायर लिख रखे हैं, इसीलिए लिख रखे हैं कि इन्हीं स्क्वायर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन्हीं स्क्वायर्स के जो मान हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो संख्या होगी उसका लास्ट जो डिजिट होगा ना, वो इनके मान का, इनके जो भी मान आएगा, जैसे 16 है तो 16 आपका 4 का स्क्वायर के रूप में और 6 के स्क्वायर के रूप में आना, तो लास्ट डिजिट में मुझे मालूम पड़ जाएगा लास्ट डिजिट जो है ना वो तो या तो 4 का होगा या 6 का होगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है कि अंडर रूट 729 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट क्या होगा। सिंपल है, सबसे पहले मैं इनके दोनों के पेयर बनाऊंगा। मैंने 2 पेयर बना लिए, एक 29 बनाया, एक 7 बनाया। ठीक है, क्या करूंगा मैं, 29 को लूंगा और 29, देखिए 29 में आखिरी जो डिजिट है उसका ध्यान करना है आपको, 9 जो है वो किसके वर्ग के फलस्वरूप आ रहा है। तो एक तो 3 के वर्ग के फलस्वरूप आ रहा है 9, और एक आ रहा है 7 के फलस्वरूप। ठीक है, तो यहां पर एक मेरा जो आखिरी डिजिट होगा, मेरी जो अंडर रूट की जो संख्या होगा उसका जो मान का आखिरी डिजिट होगा वो या तो 3 होगा या 7 होगा। 77 49 3 3 9, इसी तरह से मेरा आखिरी डिजिट जो है वो 9 आ सकता है। अब मैं दूसरा भाग लूँगा, 7 लूँगा। अब मुझे 7 पता करना है कि किसके वर्गमूलों के जो मान हैं उनके बीच 7 आता है। तो 7 देखिए मेरे पास कहाँ से आ रहा है, एक तो 4 से तो बड़ा आ रहा है और 9 से छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा 7 आ जाएगा, 4 और 9 के बीच में आ रहा है ना। तो मैं जो छोटी संख्या है उसे लूँगा, छोटी संख्या, जैसे मैंने 4 लिया तो 4 का वर्ग क्या हुआ, 2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2, या तो 23 होगा इसका वर्ग या 27 होगा। अब मुझे पता करना है कि 23 और 27 में से कौन सा सही रहेगा इसके लिए। तो देखिए, 7 जो है आपके पास, जो वर्ग की जो संख्या आई ना 2, उसको अगली जो संख्या है उससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, अब अगर ये मान जो 7 है वो 6 से ज़्यादा आता है तो मेरा जो वर्ग होगा वो 27 वाला माना जाएगा इसका सही जवाब। अगर ये छोटा होता, अगर ये 7 की जगह 5 होता तो ये मेरा 23 वाला माना जाता। तो आपको मालूम पड़ गया 27 इसका वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं करा मैंने, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, चंद सेकंड में आपके पास जवाब हाजिर है। चलिए अगला सवाल बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या 4 संख्याओं वाला है, 1764 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट क्या होगा। मैंने वही पेयर बनाए, एक 64 बनाया, एक 17 बनाया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। इसके बाद आगे क्या करना है मुझे, लास्ट वाली जो संख्या है वो देखनी है। लास्ट वाली संख्या मेरी कौन सी है, 64 और 17 में, 64 में 4 वाली जो डिजिट है वो 4 मेरी कहाँ से आ रहा है, या तो 2 का आ रहा है या मेरा 8 का आ रहा है। तो मैंने या तो 2 लिख लिया, यहाँ पर 8 लिख लिया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा जो 4 डिजिट है वो कहाँ से मेरे पास मिल रहा है, या तो 2 से मिल रहा है या 8 से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ लिख लिया। उसके बाद जो दूसरा जो पेयर है वो लूँगा मैं 17। 17 किन दो वर्गों के मान के बीच आता है, तो देखिए एक तो 16 के बीच में आ रहा है, एक 25 के बीच में, तो यहाँ पर 17 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो मैं छोटी जो संख्या है ना उसके जो स्क्वायर है उसको लूँगा, तो मैंने लिख लिया 4, तो और ये वाली संख्या उतर कर आ जाएगी यहाँ, एक संख्या उतर कर आ जाएगी यहाँ 8 वाली। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया, या तो ये 42 का होगा या 48 का होगा। अब हमें कैसे निकाल लें, जैसे हमने यहाँ 4 संख्या ली है, 4 को अगले डिजिट से मैंने गुणा कर दिया तो ये आया 20,
और 17 जो होता है वो 20 से छोटा हो सकता है, यानी कि जो मान होगा मेरा 42 होगा। अगर ये संख्या इससे बड़ी होती तो मैं बड़ा वाला आंसर कहता, अगर ये मेरी संख्या छोटी है, बस इसको मैंने चार को जो है ना, चार जो है, जो मैंने संख्या ली है, ये वाली जो संख्या ली है, इसको अगले जो भी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, चार के बाद पाँच आता है, पाँच को, और फिर इससे कंपेयर करके देख लिया कि कौन सा मान आएगा। अगर ये छोटा आ रहा है तो छोटा लेंगे, अगर ये बड़ा आ रहा है तो बड़ा लेंगे, सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अब क्या तीन संख्याओं वाला देख लेते हैं। 110 to 5, देखिए मैंने 5 वाला, इससे पहली वाली सीरीज में मैंने आपको बताया था कि 5 वाले मानों को आप किस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आया है 5, इसका भी 5 ही आएगा, इसका कोई और विकल्प नहीं आएगा। तो जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि ये किसका होता है, 25 किसका होता है, 25 होता है आपका 5 का। 110 किन दो डिजिटों के बीच में संख्या आ रही है, एक 10 के में और 11 के बीच में, तो 10 और 11 के बीच में कौन सी संख्या लाएंगे हम, छोटी वाली, तो यहाँ 10 रख दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 105 का स्क्वायर होता है, ठीक है। एक सवाल और मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट, जो ये 5 वाला मैंने बताया, ठीक है, क्लियर हो जाए। एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब पूछ लिया आपसे अंडर रूट 11881 का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। लास्ट देखिए पेयर बना लीजिए, एक पेयर मैंने ये बनाया, एक पेयर ये मैंने बनाया, ठीक है। तो 81 में जो आखिरी डिजिट है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 काय का हो सकता है, या तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 में 1 आता है, तो यहाँ लिख देंगे मैंने 1, यहाँ लिख देना मैंने मुझे 2 9, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि 118 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, या तो 100 के बीच में आ रहा है, या 121 और 100 के, यानी कि 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो मैंने यहाँ से 10 उठा लिया, तो मेरे को मालूम पड़ गया या तो 101 होगा या 109 होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट में, या तो इसका सही जवाब 101 होगा, 109 होगा। वही कर लेंगे, 11 का गुणा जो हमारे पास जो 10 है, 10 जो आ रहा है, इसको अगली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 धाम 110, और 110 किससे बड़ा है, 110 से बड़ा है आपका 118, तो यानी कि बड़ा है, तो बड़ा वाला हमारा जो सही विकल्प के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने तीन तरह के मान आपको बताए, तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का, पांच संख्याओं का स्क्वायर रूट चंद सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।